तर वाराणसीमध्ये आज वकिलांचं कामबंद आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाविषयी बार काउन्सिलचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट मुन्नालाल यादव यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे ती पाहूया. उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल द्वारा एक पत्र 14/5/2022 ईस्वी को सभी प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है. उस पत्र में प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को अराजक तौर पर मानकर उनका संज्ञान लेने का आदेश दिया गया है. हम इस पत्र की भूरी भूरी भर्तरना करते हैं. दिनांक 17/5/2022 ईस्वी को सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी व दिपनास बार एसोसिएशन वाराणसी की बैठक आहूत की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस पत्र के विरोध में हम दिनांक 18/5/2022 ईस्वी को पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगे, न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे. आज के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी न्यायिक कार्य नहीं. तर वकिलांचं कामबंद आंदोलन सुरू असल्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी कदाचित आज टळेल असा अंदाज आहे. पण ज्ञानवापी मशीद प्रकरण हे संवेदनशील आणि अपवादात्मक असल्यामुळे आजच्या सुनावणीला विलंब होऊ नये, सुनावणी घेतली जावी यासाठी हिंदू पक्षकार कोर्टात अर्ज दाखल करणार आहेत. तसंच हिंदू पक्षकार आज बार असोसिएशनला सुद्धा आवाहन करतील. हिंदू पक्षकारांचे वकील सुधीर त्रिपाठी यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यांच्याशी संवाद साधलाय अभिजित करंडेनं. आज ज्ञानवापी मशीद प्रकरणामध्ये दोन महत्त्वपूर्ण आणि अतिशय संवेदनशील प्रकरणावरती अर्जांवरती सुनावणी होणं अपेक्षित होतं. मात्र कोर्टानं म्हणजे बार असोसिएशनने इथल्या आज कामबंद आंदोलन केलेलं आहे. जे विशेष सचिव आहेत राज्य सरकारचे त्यांनी एक पत्र काढलेलं आहे ज्याच्यामध्ये वकिलांना अराजक तत्व असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्याचा निषेध म्हणून हे कामबंद आंदोलन सुरू आहे. मग त्यामुळं आजच्या सुनावणीचं नेमकं काय होणार हा प्रश्न चिन्ह आहे. आपल्यासोबत आहे सुधीर त्रिपाठी, जे हिंदू पक्षाचे वकील आहेत. सुधीरजी, क्या होने वाला है आज, सुनवाई होगी क्या होगा? देखिए, बार काउंसिल की हड़ताल है. हम जाते हैं बार, अपनी बार से परमिशन मांगेंगे, लिखित परमिशन मांगेंगे, और हम विपक्ष अगर तैयार हो जाती है तो सुनवाई होगी. तो क्या आप भोले बाबा के लिए एक्सेप्शन मांग रहे हैं? भोले बाबा के लिए नहीं, जो महत्वपूर्ण फाइलें में होती हैं स्थिति परिस्थिति में बार परमिशन दे देती है. हाँ, महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए, अर्जेंसी को देखते हुए बार हमारी जो हमारी संगठन है वो इजाज़त दे देती है कि सुनवाई कोई आपत्ति नहीं. लिखित आवेदन दे रहे हैं आप? हाँ, लिखित देना पड़ेगा बार से. अच्छा, बार को भी देंगे और कोर्ट को भी देंगे? हाँ, देना है वही बार को परमिशन कर देंगे, कोर्ट में लगा देंगे और कोर्ट को बोल देंगे हम लोग कोई आपत्ति नहीं, आप सुन लीजिए. दूसरी बात यह है कि आज आप जिनका पक्ष रख रहे हैं, जो सीता जी है, रेखा पाठक है, उनका पक्ष जो रख रहे हैं, तो उनका क्या आवेदन है, किस पे सुनवाई होनी जा रही है? देखिए, उनका जो है कमीशन की कार्रवाई पूरी हो गई है. जहाँ शिवलिंग मिले हैं उनके पूरब तरफ एक दरवाज़ा जो है वो दरवाज़ा ईंट पत्थर से बंद कर दिया गया है. और नंदी जी और शिव जी के बीच में एक तहखाना है. वह तहखाना ब्यास जी का तहखाना कहा जाता है. उसमें बहुत सारे ईंट पत्थर बांस बल्ली मलबे और ईंट की दीवार खड़ा कर दिए गए हैं, जो सीलिंग को ढक दिया गया है. तो उसको हटा करके कमीशन कार्रवाई हो जाए और सीलिंग को लंबाई चौड़ाई नाप करके स्पष्ट रिपोर्ट डालने में आ जाए. और एक ब्रैकेटिंग के पश्चिम द्वार पर जहाँ माँ श्रृंगार गौरी का दीवार है उसके दरवाजे को ही बंद कर देंगे, उसको खोल करके कमीशन कार्रवाई हो जाए. मेरी मांग साधारण सी है, कमीशन कार्रवाई हो चुकी है, थोड़ा सा इसको और हो जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा. विरोधी जो आपके प्रति दावे जो कर रहे हैं वो तो बोल रहे हैं ना कि पूरी कार्रवाई हो चुकी है, सर्वे पूरा हो चुका है. सर्वे पूरा हुआ है, नहीं हुआ, क्या है? सर्वे पूरा हो गया है, इन बिंदुओं पर बाकी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको भी हटा कर हो जाए. तो पूरे मस्जिद का सर्वे चाहते हैं आप? सर्वे हो चुका है, अब खाली मलबा ईंट पत्थर हटा करके स्पष्ट सर्वे हो जाए बस. तो आज आप जा रहे हैं आवेदन लेके कि सुनवाई हो? हाँ, प्रयास मेरा रहेगा. होते सुधीर पाठक जी, ज्यांनी सांगितलं की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये इथे आपल्याला आजची जी सुनावणी आहे ती थांबू नये, सेन्सिटिव्ह प्रकरण आहे, खूप अपवादात्मक स्थिती आहे आणि ती सुनावणी पूर्ण व्हावी. कॅमेरामन अजितसह अभिजित करंडे, एबीपी माझा, वाराणसी. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.